ये उनको पकड़ के ले जा रहे, कुछ पकड़ा उनको थाने में ले जा रहे हैं। हरला थाने ले रहे हैं, उनको रोड पे नहीं रोका जा सकता, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा। हरला थाने गए आप, मत यहाँ रुकिए। ए पांडे जी मत रुकिए। हेलो तरीके से जो माइंस सैंड माफिया डंपिंग कर रहे थे, उनकी छानबीन करने के लिए, उनके पता करने के लिए माइंस डिपार्टमेंट झारखंड सरकार के साथ में एस्कॉर्ट के साथ गए थे। फ्रॉम सिक्योरिटी एंगल मौके वारदात के कई ट्रैक्टर्स थे, कुछ ट्रैक्टर तो भाग गए थे नदी के पास, कुछ ट्रैक्टर हमने जब्त किए थे। जबकि वो ट्रैक्टर को जब लेकर आ रहे थे, तब तक आपका मीडिया भी आ चुका था, जब पूरा लेकर आ रहे थे और एक तरह से थाना आ रहा था, उस बीच में गांव वाले इकट्ठे हो गए। बहुत कम से कम 25-30 लेडीज थी, ज़बरदस्ती उन्होंने मोबाइल छीन लिए और जो ट्रैक्टर थे उनको छोड़ा दिया। ट्रैक्टर जो है वहीं पर मिट्टी खाली करके ट्रैक्टर और ट्रॉली उस रास्ते से निकल गए। मीडिया पे जो एक था बंदा, उसके ऊपर कपड़े भी फाड़े गए, उससे मोबाइल भी छीना गया और उसकी जो मोटरसाइकिल की चाबी थी, तो बड़े मुश्किल से मीडिया वाले निकल पाए। अभी भी उसकी मोटरसाइकिल वहाँ पे है, तब तक पुलिस आ गए, पुलिस को बता दिया गया था, पुलिस ने हमको एस्कॉर्ट करके यहाँ तक लाए हैं। और अभी जो हमारी सेकंड टीम थी वो दूसरे रास्ते से, वो भी सेफ एंड साउंड निकल चुकी है। तो गांव वाले जो एकत्रित हुए थे, वो एक दो बहुत ही दुखद सूचना है, जिसमें कि मीडिया वालों के साथ अन्याय किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उसके मोटरसाइकिल की चाबी ली गई, ये इंसानियत तौर पर भी। क्या आप FIR करेंगे? नहीं, मैं FIR तो पुलिस वहाँ भी पहुँचे, पुलिस को सब सिचुएशन करके आ रहे हैं, हम तो बता के आ रहे हैं। पुलिस ने हमको एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला है। FIR तो जिससे पुलिस मैटर, वो पुलिस पे मोर ओवर माइंस डिपार्टमेंट के थे अधिकारी, वो देखेंगे उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या